एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो दो ही साल में हो जाएगा। आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी, अब आज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी देर करेंगे तो हम तो अब मूवमेंट शुरू करने वाले कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 100%, और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है। राज्यों को कोई फायदा हो रहा? एक लाइन छापिएगा आपको कहा जाएगा, अरे बंद कर दो, बंद कर दो। जगह पर, गांव में, शहर में, सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले इसको लेकर एक बार फिर से बड़ी मांग कर दी है, और उन्होंने खुले मन से यह कह दिया है कि अगर केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं देती है तो मतलब साफ समझा जाएगा कि आप बिहार का विकास नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में जो धनराशि मिलती है वो पर्याप्त नहीं है बिहार के विकास के लिए। बिहार भ्रमण करेंगे, साथ ही साथ आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे से जुड़े बातों को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को आप सुनिए। केंद्र से तो हम यही ना आग्रह करते हैं भाई कि हम इतने लोगों को मदद करेंगे, कितना कितना जरूरत है मदद करने का, तो 5 साल लग जाएगा सबके उत्थान के लिए। तो हम कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो दो ही साल में हो जाएगा। आप बोलिए बिहार कितना आगे था ये दुनिया और देश में सबसे पहले। आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी, अब आज पीछे है। अरे जल्दी दे न दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अब मूवमेंट शुरू करने वाले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा आपको कहा जाएगा, अरे बंद कर दो, बंद कर दो। जो भी दिल्ली से आता है यहाँ करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है? अब आजकल हमसे बाहर आकर के मिलना चाहते हैं, हम आपको नमन कर देते हैं क्योंकि मेरा बतवा तो आपको छापने में दिक्कत है। जो मेरे खिलाफ अंड बंड बोलता है उसी पर पूछिएगा, हमको जाने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे हम तो लोगों के हित में काम करते हैं, हम समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं। और लोग सोचता होगा हम तो हर लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं और हम करते रहेंगे, तो हम तो काम करने वाले आदमी हैं, हम काम करते रहेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी। नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं 100%, 60% देते हैं और 40% राज्य को देना पड़ता है। तो राज्य का जो हिस्सा है, केंद्र जो देश भर का पैसा वसूलता है और उसका बिहार राज्यों को जो 60-40% का हिस्सा है, और उसने ही पैसा अपने तरफ लेकर के अपनी योजनाओं में कराता है, राज्यों को कोई फायदा हो रहा? तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमको तो जो पैसा था और ना मिल जाता, हम लोग सोचिए कितना ज्यादा ऋण लेकर के और कितना मेहनत करके पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आगे करते रहेंगे
लेकिन अगर अपना प्रचार करते हैं तो याद करिए, एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। हम लोग जितना कमवा कर रहे हैं, अब इस एक एक चीज को हम हर जगह पर गांव गांव तक, हमने आज ही अधिकारियों को कह दिया, यहां पर बैठे हुए हैं अमीर सुमानी जी, हम तो यही कह रहे हैं, आज ही हमने बात कर लिया है अधिकारियों को कि एक एक जगह पर, गांव में, शहर में, सब जगह राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है ये सब बताइए। और एक एक जगह जा जा करके हमारे अधिकारीगण पूछ लें कि देखो ये काम हुआ है, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, और सबका नोट करेगा और उसको लाभ देने के लिए और प्रयास किया जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। और नहीं तो हम लोग इसी तरह से न काम कर सकेंगे, नहीं तो हम लोगों के खाली बोलने से कहीं छप जाएगा और लोग इसका लाभ लेगा। इसलिए घर घर जाकर के लोगों को कह दीजिए कि ये दिया जा रहा है, आप और लाभ लेना चाहते हैं तो बोलिए। तो जितना काम हम लोग कर रहे हैं, अगर और आएगा, हम तो इस साल गए जनवरी फरवरी तो हम सब लोगों का राय लिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत है सब जगह करवा रहे हैं, तो इस बार तो फिर ना हम जाके एक राउंड घूम करके हम लेंगे, अब बाकी अधिकारियों को कहेंगे करिए, ताकि सचमुच राज्य सरकार अपना काम करती है और करते रहेगी। अब बाकी तो जानते हैं, जो कम्मा कम करता है उसी का ना प्रचार होते रहता है कि बहुत ही काम करते हैं, छोड़िए ना अपना प्रचार करता रहे, तो काम से मतलब है लोगों को, हम लोगों को काम से मतलब है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग खूब काम तेजी से करिए, और जब काम तेजी से करिएगा तो हम लोगों को लगेगा कि और मदद करना चाहिए, तो आगे हम और मदद करेंगे, चिंता मत करिए, खूब तेजी से काम करिए, ताकि पूरा परिवार आगे बढ़ेगा और तभी पूरा का पूरा बिहार और ज्यादा आगे बढ़ेगा और पूरा विकसित होगा, यही हमारी उच्च इच्छा है और इसीलिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तीन्हीं शब्दों के साथ आज के अवसर पर जो अनेक लोगों ने लाभ लिया है, हम तो चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट के लोगों से कहेंगे कि जरा और लोगों को लाभ मिले, इसके लिए खूब प्रचार कराइए और लोगों से आग्रह करिए और सबको लाभ दिलाइए, ताकि सब अपने परिवार के उत्थान के लिए काम करें। तो यही मेरी इच्छा है और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और खुश हैं और काम कर रहे हैं, खूब तेजी से काम करिए। तो आपने सुना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए, अगर केंद्र की भाजपा सरकार नहीं देती है तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार यानी आज पटना में उद्यमी योजना के लाभार्थियों को प्रथम किस्त वितरण समारोह में शिरकत किए। इस दौरान मंच से संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार आंदोलन करेगा, इस मांग को लेकर पूरे राज्य में मूवमेंट चलाया जाएगा, विकसित राज्य बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा, अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल जाता है, जो एक लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग रही है कि बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो फिर बिहार का समुचित विकास होगा, चूंकि संसाधन सीमित है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो फिर बिहार जो है वो कई गुना ज़्यादा स्पीड से विकसित जो है वो होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए, अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Yeah.